If x plus 1 upon x equals to 5, then x cube plus 1 upon x cube equals टू. सो ऐसी क्वेश्चंस हम डिटेल में कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको पहले स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा. उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस का आंसर विद इन 2 सेकेंड्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग शॉर्ट ट्रिक, जो आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज हो सकता है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा और वो आप खुद भी समझ जाओगे कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं वहां पर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. तो अब जैसे कि यहाँ पर मुझे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब फाइंड आउट करना है, तो दैट मीन्स व्हाट, मुझे यहाँ पर आइडेंटिटी पता होना चाहिए क्यूब वाला, दैट इज ए प्लस बी द होल क्यूब. सो व्हाट इज ए प्लस बी द होल क्यूब? दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a square b plus 3ab square. So this is the one way to write the terms on the right hand side. तो right hand side जो मैंने यहाँ पर terms लिखे हैं उसको मैं दूसरे एक way से लिख सकता हूँ, that is a cube plus b cube plus ये जो लास्ट के 2 टर्म्स है इसमें 3a और b कॉमन है, तो 3ab कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a और दूसरे टर्म में बचेगा b. सो ये फॉर्मूला जो हो गया a प्लस बी द होल क्यूब, ये आइडेंटिटी इज नथिंग बट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी. तो ये जो सेकेंड पैटर्न है वो हम यूज करेंगे, ये हमको सिंप्लीफाई करने में काफी हेल्प करेगा. ओके, तो जैसे कि यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5 दिया है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5. तो अब क्या करेंगे, हमें क्यूब चाहिए तो हम क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड. तो हम क्या कर देंगे, दोनों साइड क्यूब ले लेंगे. सो x प्लस 1 अपॉन एक्स द होल क्यूब इज इक्वल्स टू 5 क्यूब. तो यहाँ पर देखो कुछ बच्चे यहाँ पर मिस्टेक ये कर देते हैं, जब वी टेक द क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड तो वो इंडिविजुअल टर्म का क्यूब ले लेंगे, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एंड दैट इज टोटली रॉन्ग. क्योंकि जब आप क्यूबिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, वहां पर जितने भी टर्म्स है उसका होल क्यूब लेंगे. अंडरस्टूड? तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स द होल क्यूब. अंडरस्टूड? ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अभी x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो दैट इज x जो हो गया वो a हो गया और 1 अपॉन एक्स दैट इज नथिंग बट b. तो यहाँ पर a प्लस बी द होल क्यूब क्या है, a क्यूब. तो जहाँ a होगा वहाँ हम x लिखेंगे, सो दैट इज x क्यूब प्लस b जो है वो 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स द होल क्यूब प्लस 3a, a इज x, b इज 1 बाई एक्स इंटू a प्लस b. तो ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a का वैल्यू है x और b का वैल्यू है 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 5 का क्यूब जो है वो 125 है. अंडरस्टूड? अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला जो टर्म है यहाँ पर 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, तो ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो अब क्या बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होता है और x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 125. यस, अब जैसे कि हमें यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे और दूसरे जो टर्म्स है उसको आरएचएस में शिफ्ट कर देते हैं. तो जैसे कि यहाँ पर 3 ब्रैकेट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स जो है उसको आरएचएस में अगर हम लेके जाते हैं, सो इट इज 125 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स. यस, अब देखो यहाँ पर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू हमें दिया गया है, दैट इज नथिंग बट 5. तो ये हो जाएगा 125 माइनस 3 इंटू दिस ब्रैकेट. सो ये ब्रैकेट का वैल्यू जो है वो 5 है, दैट इज एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स. सो ये क्या हो गया, 125 माइनस 15 एंड दैट इज नथिंग बट 110. तो ये हमें आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब. सो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. बट इसका शॉर्ट ट्रिक ये है, आप अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो आरएचएस में जो वैल्यू है देखो ये 125 मतलब जो वैल्यू हमें दिया था 5 उसका क्यूब है, मतलब जो भी वैल्यू दिया है उसका हम क्यूब ले लेंगे. सपोज वो वैल्यू को मैं p कंसीडर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो उसका क्यूब ले लेंगे. तो p क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स मतलब इक्वल्स टू जो वैल्यू दिया है दैट इज 5. तो इसका मतलब ये जो होगा वो p हो जाएगा. तो इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू जो होगा दैट विल बी पी क्यूब माइनस 3p. यस, पी क्यूब जो भी वैल्यू दिया है मतलब एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू जो भी वैल्यू दिया है वो वैल्यू उसका क्यूब लेना है माइनस 3 इंटू दैट वैल्यू. अंडरस्टूड? तो जैसे कि यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐसा कैलकुलेट कर सकते थे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज नथिंग बट पी क्यूब मतलब 5 क्यूब माइनस 3 इंटू p that is 5. So that is nothing but 125 minus 15 and that is nothing but 110. ये शॉर्टकट वे से आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आपको करना क्या है, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया है आपको वैल्यू और x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब फाइंड आउट करना है, तो सिंपली क्या करना है, वो जो वैल्यू दिया है दैट इज p क्यूब, उसको हम p कंसिडर करें तो p क्यूब माइनस 3p करना है. अंडरस्टूड? सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड आउट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आंसर. वो भी अब अंडरस्टूड और ये ट्रिक आपको खुद को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।